लिए तान दिए, लेकिन मैं कोई तरह से गांव वाले दौड़ के आ गए सब मैं। और तब से बेचारा हिमांशु दौड़ लगा रहे, बस अतनी जोर दौड़ रहा था नहीं, जोड़ की पूछो ना भैया, अभी तक गांव नहीं गया। गांव जाएंगे तो प्रधान जी से भेंट हो जाएगी, प्रधान जी ने ठहतों के साथ बकायदा खड़े हो जाएंगे और बकायदा बंदूक तान देंगे, ऐसा तानेंगे कि पूछो ना भैया, छेदानगर के प्रधान जी बकायदा छेदम छेद कर देंगे। वैसे मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के थाना सदर क्षेत्र के बकायदा छेदानगर के, जहाँ के प्रधान जी पर साफ तौर से आरोप लग रहा है कि धरती माँ का सीना चीर रहे हैं और बकायदा अवैध खनन करवा रहे हैं। इतना खनन करवा रहे कि पूछो ना भैया, बेचारा हिमांशु भैया गुहार लगा रहा था और जैसे वैसा भी गांव जाता है कांपता है, खुद सुनील की समस्या सुनो तो कलेजा फट कर हाथ में आ जाएगा। और सुनील चौधरी प्रधान जी का नाम है जो कि छेदानगर के वर्तमान प्रधान होने के बावजूद भी जमकर खनन करवा रहे हैं, इतना खनन करवा रहे कि पूछो ना भैया, ना जाने कितना रुपया कमाएंगे। ठूस लो भैया ठूस लो, जितना हो सके मट्टी ठूस लो और जितना हो सके रुपया ठूस लो, कह देंगे तो कलेजा फट जाएगा फट जाएगा। पर फिलहाल वह सब सुनिए जरा हिमांशु पीड़ित किस तरह से अपनी समस्या बता रहा है। एसडीएम को प्रार्थना पत्र लिखा, एसपी साहब से गुहार लगा रहा, पूछो भैया मार बेचारा दौड़ दौड़ लगाए पड़ा है, कमला खाते खाते थका जा रहा। मेरा नाम हिमांशु सिंह है जी। मैं बाराबंकी जनपद के नवाबगंज तहसील के अंतर्गत छेदानगर गांव से निवासी हूँ मैं जी। हमारे यहाँ पिछले 1.5 साल से लगभग दिन और रात खनन का कार्य बहुत तेजी से वर्तमान ग्राम प्रधान सुनील चौधरी द्वारा कराया जा रहा था जी। मैं पिछले 6 महीना पहले मैं बाहर था, रहता था, मेरा कारोबार जो है बाहर है जी। मैं 6 महीना पहले आया, देखा कि आधा गांव लगभग खुद चुका है जी। तब मैंने जो है इसकी शिकायत तहसील स्तर पे, डीएम स्तर पे, जिले स्तर पे, पुलिस प्रशासन में सब जगह जो है इसकी कंप्लेंट किया जी, इसकी शिकायत किया जी। शिकायत के बाद कोई निस्तारण नहीं हुआ, तहसील प्रशासन इसकी जांच करेगी, तहसील प्रशासन कह रहा कि पुलिस प्रशासन जांच करेगी जी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस अवैध खनन को रोकने वाला कौन अधिकारी जिले में है जी। मैंने बल्कि जिला के जो खनन अधिकारी हैं जी, मैंने उनको भी सूचित किया, तो परसों वो आए खनन की जांच करने, उनके साथ लेखपाल महोदय भी आए जी। उनके चले जाने के बाद लेखपाल महोदय हमारे साथ लौट रहे थे, मैं गया था निरीक्षण करवाने, वहां से निरीक्षण करवा कर जब मैं लौट रहा था तो वर्तमान ग्राम प्रधान सुनील चौधरी के साथ कम से कम काफी समर्थक थे उनके साथ जी। वो लोग लाठी डंडा और रिवाल्वर और बंदूक जी सारी व्यवस्था से हमको अकेले पा करके घेर लिए, तान दिए, लेकिन मैं कोई तरह से गांव वाले दौड़ के आ गए सब मैं बच पाया, वहाँ से मैं अभी गांव से बाहर हूँ जी जी। तो हिमांशु अपनी जान बचाओ और गांव मत जाना, गांव जाओगे तो क्या बताया, छेदानगर का प्रधान वह सब कहीं छेदम छेद कर दिया, तो वैसे भी ना तो पुलिस सुन रही है और ना तो तहसील का कोई प्रशासन सुन रहा, ना तो वह सब जिले के कोई अधिकारी सुन रहा है, पर हम कुछ बोल देंगे तो क्या बताया कलेजे मार लग जाएगी। पर आप लोग सब निवेदन करना चाहते हैं तम्बाकू मत खाइएगा, प्रधान जी तो बाद में छेद करेंगे, ये अपने मुँह में पहले छेद कर ले रहे हैं, पर फिलहाल वह सब कुछ भी कहिए, बहुत बड़ी लापरवाही वर्तमान के प्रधान जमकर खनन कर रहे हैं।